एक पनिहारी राहगीर से कहती है, भगवान किसकी मदद करता है। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी और बताएगी कि भगवान इस दुनिया में किसकी मदद करता है, किस इंसान की ईश्वर रक्षा करता है और मदद करता है। वैसे तो कहते हैं कि भगवान हर प्राणी की, हर जीव की रक्षा और मदद ही करता है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि भगवान जो है वो मदद किसकी करता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर ये जिज्ञासा रहती है, वो इच्छुक रहता है और जानना चाहता है कि इस दुनिया में ईश्वर किसकी मदद करता है। तो आइए मित्रों, इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने और समझाने का हम प्रयास करेंगे कि ईश्वर इस दुनिया में किसकी मदद करता है, जिसकी ईश्वर मदद करता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको पूर्ण तरह से ये जानकारी मिल पाएगी और आप समझ पाएंगे कि ईश्वर किसकी मदद करता है। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने और जानकारी हासिल करें कि भगवान किसकी मदद करता है। और कहानी सुनने के साथ साथ आपसे एक निवेदन और करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपसे निवेदन है आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक प्यासा राहगीर जा रहा था और रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है जिसमें जल था, लेकिन उसे उस कुआं से जल पीना असंभव था क्योंकि उसके पास में कोई ऐसी लुटिया, कोई पात्र नहीं था जिससे कुआं से जल भर के वो पानी पी लेता, अपनी प्यास को बुझा लेता। वहीं कुआं के पास में एक वृक्ष था, सुंदर छाया थी और वह राहगीर उसी वृक्ष के पास में बैठ जाता है, उसकी छाया में बैठ गया, आराम करने लगा। चलते चलते थक चुका था, प्यास बहुत तेज की लगी हुई थी। सोचने लगा, अगर कोई पनिहारी यहां पानी भरने के लिए आएगी तो उससे कहूंगा, वो हमें जल पिला देगी और हमारी प्यास शांत हो जाएगी। दोस्तों, में राहगीर पनिहारी का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद में राहगीर देखता है कि एक पनिहारी कुआं पर पानी भरने के लिए चली आती है और वे कुआं पर जब पानी भरने के लिए आई तो वह राहगीर जो था उस पनिहारी के समीप जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि हे पनिहारिन बहन, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, प्यास की वजह से मेरा दम घुट रहा है, थोड़ी मेहरबानी होगी, हमें पानी पिला दे। दोस्तों, भाई पनिहारिन कहने लगी, अरे भाई, ये भी कोई कहने वाली या विनती करने वाली चीज है, मैं अभी तुमको पानी पिलाती हूं। दोस्तों, कुआं से उस पनिहारिन ने पानी भरा और उस राहगीर के लिए पानी पिलाया, तब राहगीर की प्यास शांत हुई। लेकिन पनिहारिन ने जब राहगीर की ओर देखा कि राहगीर जो था उसके चेहरा पर एक बहुत बड़ी मायूसी उसके लिए नजर आई, चेहरा उदास सा था, तब राहगीर से वो पनिहारिन पूछ बैठी कि भाई साहब, आप कुछ ज्यादा चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, आपके चेहरा पर चिंता नजर आ रही है, कौन सी समस्या में आप उलझे हुए हैं, कौन से दुख या संकट में आप घिरे हुए हैं जो आपका चेहरा मायूस दिखाई दे रहा है, क्या बात है। दोस्तों, पनिहारिन के ऐसा पूछने पर राहगीर कहने लगा, बहन, चिंता की बात यह है कि मेरे मन में एक प्रश्न है और उसका जवाब जानने के लिए मेरे अंदर ये मायूसी है और मेरे अंदर ये चिंता आपको झलक रही है, लेकिन इतनी बड़ी चिंता नहीं है जिस तरीका से आप हमको देख रहे हैं, मैं उस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूं और उसी वजह से आपको हमारे चेहरे पर चिंता नजर आ रही है। पनिहारिन पूछने लगी, भाई साहब, आपका क्या प्रश्न है, क्या सवाल है। राहगीर बोला, क्या तुम हमारे प्रश्न का जवाब दे सकती हो। पनिहारिन ने कहा, कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब सही तरीका से दे पाऊं। दोस्तों, तब राहगीर पनिहारिन से पूछता है कि पनिहारिन बहन, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस संसार में, इस दुनिया में भगवान किसकी मदद करता है, कौन वो प्राणी है जिसकी भगवान मदद करता है, बस यही जानने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों,
राहगीर का ऐसा पूछने पर तब वह पनिहारिन राहगीर से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आइए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों वह पनिहारिन राहगीर को कहानी सुनाने लगती है और राहगीर से कहती है कि भगवान किसकी मदद करता है, आइए हम तुम्हें बताएं। एक समय की बात है कि एक अच्छी सी जगह पर पवित्र स्थान पर एक साधु जो था वह तपस्या कर रहा था। वह भगवान के भजन पर ही तपस्या में ही आस्था रखता था और उसी में विश्वास रखता था, यानी भगवान पर बहुत अधिक विश्वास था उसे। तपस्या में लीन था, ध्यान भगवान से लगाए हुए था। इतने में क्या होता है कि उसी जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है और जब उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है जो बराबर में गांव था वो गांव डूबने लगता है तो गांव के लोग बाढ़ को देख करके थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी थी उस पहाड़ पर जाने लगते हैं और इधर जो साधु तपस्या कर रहा था उसके घुटने भी पानी में डूब चुके थे, यानी जो पैर थे वो डूब चुके थे। उस गांव के लोग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस पहाड़ी पर जा रहे थे। इधर दोस्तों क्या हुआ, एक ने देख लिया कि साधु तपस्या कर रहा है और ये उठ नहीं रहा है, ये तो डूब जाएगा, चलो इसे बचाते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने साधु से कहा कि आप तपस्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बाढ़ आ चुकी है और जो पास में ये पहाड़ी है हम सब लोग जा रहे हैं वहीं चलिए, नहीं तो डूब जाओगे और मर जाओगे। दोस्तों साधु कहने लगा भगवान की तपस्या करता हूं, इतनी जिंदगी मैंने भगवान की तपस्या में ही निकाली है, भगवान हमको आकर के खुद बचाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों भाई व्यक्ति ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, अरे ये डूब रहा है और कह रहा है कि भगवान बचाएगा, भगवान तो बचाते ही हैं लेकिन भगवान इतनी बुद्धि तो देते हैं कि जब हम डूब रहे हों और हमारे लिए पहाड़ी भी दिखाई दे रही है तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते। उस व्यक्ति ने सोचा हमें क्या मतलब ये साधु जाने। तो दोस्तों वह व्यक्ति और भी जो लोग थे वो पहाड़ी पर चले जाते हैं। इधर बाढ़ जो थी अपना प्रकोप बढ़ा रही थी, पानी जो था उसकी भुजाओं तक पहुंच चुका था। तब तक क्या देखता है कि वो साधु एक नाविक वाला आता है, एक नाव वाला, और नाव वाला कहता है कि देखिए महात्मा जी मैं ये नाव लेकर के तुम्हारे पास आया हूं, इस नाव में बैठ जाइए और नहीं तो डूब जाओगे मर जाओगे, अपने प्राणों की रक्षा करिए, मेरी बात को मानिए। दोस्तों वह साधु उस नाव वाले से कहने लगा मैंने सारी जिंदगी भगवान की तपस्या में निकाली है, मुझे विश्वास है कि भगवान हमें खुद आकर के बचाएगा, मैं आपकी नाव में नहीं बैठूंगा। दोस्तों वह नाव वाला चला जाता है। उसके बाद पानी की जो बाढ़ थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और साधु के नाक तक जो पानी था वो पहुंच चुका था, कुछ ही देर में साधु डूबने वाला था। इतने में क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर वाला आता है और वो रस्सी साधु के नीचे की ओर फेंक देता है और आवाज लगाता है कि इस रस्सी को पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, नहीं तो मर जाओगे, डूब जाओगे और तुम डूबने वाले हो, मेरी बात को मानिए। दोस्तों उस साधु ने उसको भी जवाब दिया आप इस रस्सी को पुनः अपनी ओर खींच लीजिए, भगवान हमें खुद बचाएगा, वो डूबने से बचाएगा, हम नहीं आ सकते। दोस्तों हेलीकॉप्टर वाला जो था वो भी चला गया। उसके बाद में परिणाम ये हुआ कि साधु जो था उसका सिर भी उस जल से डूब गया अर्थात वो मर गया। पनिहारिन जो है राहगीर से कहती है कि जब वह साधु मर जाता है तो भगवान के पास में पहुंचता है, भगवान के दूत उसको ले जाते हैं और जब वह भगवान के पास में पहुंचता है तो कहता है कि प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी आपने क्यों की, सारा जीवन आपकी तपस्या करते निकाल दी, आपका भजन करते निकाल दी, मैं आप पर विश्वास करता हूं, बहुत अधिक विश्वास करता हूं, लेकिन आपने मुझे जाकर के वहां बचाया क्यों नहीं, आपने मुझे जल में डूबने क्यों दिया जिससे हमारी मौत हो गई, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने। तब भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख इंसान, अरे मूर्ख साधु, तुझे मैं 3 बार बचाने के लिए गया था और तू फिर भी हमको समझ नहीं पाया और तू जल में डूब गया और तू मर गया, अरे तू तो इतना मूर्ख है, तू पता नहीं किस ध्यान में किस में खोया हुआ था, जब मैं पैदल जा रहा था तो तुझसे कहा था कि पहाड़ी के ऊपर चलो, पानी की बाढ़ तेजी से बढ़ रही है लेकिन तूने मना कर दिया, दूसरी बार मैं नाव लेकर के आया तुझसे कहा कि नाव में बैठ जाओ लेकिन तूने फिर भी मना कर दिया, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर के आया और तुझसे कहा कि रस्सी को पकड़ कर ऊपर आ जाओ लेकिन तूने फिर भी मना कर दिया, और तू शायद जानता नहीं है कि 3 बार वो कौन आया था, पैदल आया था तो भी मैं ही आया था, नाव लेकर के आया था तेरे पास तुझे बचाने तो भी मैं ही आया था,
और हेलीकॉप्टर लेकर के आया था तुझे बचाने के लिए, वहां भी मैं ही आया था, लेकिन तू समझ नहीं पाया। तू किस ध्यान में था? तू क्या सोच रहा था? तेरा ध्यान कहां था? तूने मुझे पहचान नहीं पाया, तूने मुझे समझ ही नहीं पाया, और तू हमारे लिए दोष लगा रहा है। दोस्तों, फिर वह साधु जो है क्षमा मांगने लगता है भगवान से और कहता है कि प्रभु मुझे माफ करना, मैं आपको दोष बेमतलब लगा रहा था। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी गलती हमारी ही है। आप मुझे 3 बार बचाने आए लेकिन मैं नहीं बच पाया। मैं भजन तो कर रहा था, तपस्या तो कर रहा था, लेकिन आपको समझ नहीं पाया। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये विचार नहीं किया कि भगवान अपने भक्त के लिए किस रूप में बचाने आ जाए, ये कौन जानता है। और वही आप आए, किस रूप में आए, लेकिन मैंने समझा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये साफ सिद्ध होता है और इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि भगवान किसकी मदद करता है। परिहारन कहती है, इसी तरह से हर इंसान के लिए परमात्मा मौका देता है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। पर पता नहीं वह इंसान कहां खोया रहता है और किस सोच में पड़ा रहता है, और उस मौके के लिए गवा देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि लास्ट में उसको रोना ही होता है, कुछ हाथ नहीं आता। वो नहीं समझ पाता है कि ये भगवान ही हमको मौका देता है और उस मौके को गवा देता है, कुछ करता ही नहीं है। सोचता रहता है आगे होगा तब करेंगे, ये होगा तब करेंगे, वो होगा तब करेंगे, यही सोचता रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो जो भी करना है अच्छा काम करिए, और उसको करना आज से ही आरंभ कर दीजिए। आपको सफलता मिलेगी और आपकी भगवान मदद तुरंत करेगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान किसकी मदद करता है। भगवान इस दुनिया में उसकी मदद करता है जो अपने कर्म पर विश्वास करके और उस कर्म को करने लगता है, कल के लिए टालता नहीं है और आज से ही शुरू कर देता है। भगवान उसकी ही मदद करता है। और जो भगवान के भरोसे बैठा रहता है, भगवान आएंगे हमको बचाएंगे, भगवान ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, भगवान हमारे लिए सुझाव देंगे, तब हम इस काम को करेंगे। लेकिन भाई साहब, तब भगवान कुछ नहीं करते, ना आते हैं ना कोई सुझाव देते हैं। भगवान जब भी मदद करते हैं, जब भी उसके लिए सुझाव देते हैं, जब वो अपने कर्म को सही तरीका से पूर्ण विश्वास से करने लगता है और आगे के लिए नहीं टालता है और दिल लगा करके उस कर्म पर डट जाता है, तो भगवान उसकी ही इस दुनिया में मदद करता है। अब तो आप जान गए, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, मैं राहगीर उस पनिहारिन के समझाने से, उसकी ये कहानी सुनने से और अपने प्रश्न का जवाब जान करके बड़ा खुश होता है, और पनिहारिन के लिए बार बार धन्यवाद दे करके और आगे के लिए वह राहगीर वहां से चल देता है, और पनिहारिन अपने घड़ा में जल लेकर के अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पनिहारिन और राहगीर की, एक साधु की, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाई है। और ये कहानी हमारे लिए मोटिवेट करती है, समझाती है, सिखा करके जाती है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो कल के लिए न टालें, जो भी करना है उसको दिल से आज से ही करना आरंभ कर दें, तभी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं, जो इंसान कर्म करता है भगवान उसकी ही मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए राय जरूर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। तो दोस्तों, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।